देखिए, टुडे माय टारगेट इज टू कंप्लीट द आंसर ऑफ दीज टू क्वेश्चंस। हाउ डिड न्यूटन प्रूव दैट सनलाइट इज कंपोज ऑफ 7 कलर्स? यही पूछ रहे हैं कि न्यूटन सर ने कैसे प्रूव किया कि ना कि सनलाइट आपकी 7 कलर्स से आपका मिलकर के बनी होती है। न्यूटन सर ने आपका नाम देखो, प्रूफ करने से पहले न्यूटन सर ने ऑब्जर्व किया। प्रूफ तभी होगा जब वो पहले ऑब्जर्व करेंगे। याद रखिए आपका नाम देखो, दैट व्हेन ए फाइन बीम ऑफ व्हाइट वो भी सनलाइट की बात अगर मैं करता हूं, सनलाइट इज फॉलिंग ऑन ए प्रिज्म, द इमर्जेंट लाइट कंसिस्ट ऑफ बैंड ऑफ 7 कलर्स रेंजिंग फ्रॉम वॉयलेट टू रेड, यानी कि वही आप जो जिसका विद ग्योर आप कहते हैं। तो इसमें आप ये वॉयलेट टू आपका रेड हो गया। आप देखो ना, तो न्यूटन सर, न्यूटन ट्राई टू फर्दर स्प्लिट द कलर्स ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, ये व्हाइट लाइट by using another prism, तो उन्होंने दूसरा प्रिज्म आपका लिया, but he did not obtain any more colors. He then placed फिर उन्होंने प्लेस किया आपका नाम देखो a second identical ना प्रेस इन ए इन्वर्टेड पोजिशन, उल्टा कर दिया उन्होंने, उल्टा। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा आपका, देखो इन्वर्टेड पोजिशन आपका नाम देखो दिस विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट प्रिज्म के, उसमें बिल्कुल उन्होंने उसको आइडेंटिकल था बिल्कुल उसी के, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया उसको उल्टा रख दिया। नाउ ही फाउंड, तो उन्होंने जो पता लगाई है, जो उन्हें मिला कि ना a white beam of light emerging out, बाहर निकल रही है आपका ना देखो out of second prism, it means इसका मतलब हो गया कि white sunlight, जो white sunlight है आपका ना देखो consist of lights of 7 colors which are simply now separated by the
अब आपने कहा कि ये जो आपका नाम दिस इज एक्चुअल में, अगर आपको याद होगा, इफ यू रिमेम्बर दैट कि बिफोर फोर डेज बिफोर आपका नाम, देखो हमने एक कहा था, अगर आपको याद होगा कि ना रिकॉम्बिनेशन ऑफ डिस्पर्स लाइट बाय प्रिज्म, हमने एक क्वेश्चन था आपका नाम, उसमें हमने क्या किया था, ये एक प्रिज्म हमने, ये फर्स्ट प्रिज्म हमने ले लिया, सेकेंड प्रिज्म भी आइडेंटिकल का मतलब सेम, जिसकी एज इज सेम हो, ये दिस इज द सेकेंड प्रिज्म, जिसको आपने उल्टा रख दिया, दैट इज कॉल्ड द इन्वर्टेड, उल्टा रख दिया, क्लियर हो गया, एक स्क्रीन आपने कार्डबोर्ड रखा, कार्डबोर्ड से अब आप कर देखो ये दिस इज व्हाइट लाइट आपकी आ रही है, कुछ भी आप व्हाइट लाइट सनलाइट का मतलब आपका, आप देखिए तो ट्राई करिए, मैंने तो व्हाइट लाइट चलेगी, हाँ चेक करिए, तो ये जब यहां पे आपका गया इसमें, रेंजिंग फ्रॉम वायलेट टू रेड आपका हो गया, क्योंकि रेड की क्या होती है, एग्जैक्टली रेड की आपकी ना होते सिद्धा हाई वेव लेंथ होती और इमर्जिंग पावर कम होती है, एंड कन्वर्जिंग पावर इज लीस्ट या लेस, और इंक्लाइनेशन इज लीस्ट, यही होती है रेड एंड व्हाइट। अब ये इन्वर्टेड प्रिज्म उसके सामने बगल में आपने रखा हुआ, तो यहां से भी ये जब आपकी जाएंगी ये पैरेलल नहीं होती है, याद रखिएगा, इसकी इंक्लिनेशन ज्यादा होती है वायलेट की आपकी ज्यादा होती है, जब अगेन ये इसमें आपका पहुंचे आपका नाम ये आ गया, और उसके बाद ये फिर यहां जब जाएगी तो ये आपका नाम दिस इज व्हाइट लाइट, यानी कि ये आपका नाम दिस आगे बढ़ रही है, ये आपका दिस इज स्क्रीन आपका हो गया, सिंपल से बात है, छेद किया हुआ आपने, अब तो यार वो तो स्क्रीन तो एडजस्ट करोगे ना आप अपने हिसाब से, आपको तो सीधा बता रहा कि व्हाइट लाइट से जब आपने प्रिज्म रखा सेवन कलर में कन्वर्ट हो गया, और फिर जब आपने दूसरा प्रिज्म रखा तो सेवन कन्वर्ट आपका सेवन कलर सबका कन्वर्ट होकर के व्हाइट लाइट में, सिंपल जानकारी। न्यूटन ने ऑब्जर्व किया कि अ फाइन बीम ऑफ व्हाइट लाइट की फाइन बीम आपका नाम देखो, सनलाइट इज फॉलिंग ऑन ए प्रिज्म, फर्स्ट प्रिज्म आपका गिर रही है, तो जो इमर्जेंट रेज कंसिस्ट अ बैंड ऑफ इमर्जेंट रेज आपका जो कंसिस्ट करेगी वो सेवन कलर्स आपका दिखाएगी, और वो रेंज आपका वायलेट टू आपका नाम रेड होगी। न्यूटन ने फिर ट्राई किया फर्दर स्प्लिट द कलर्स ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट बाई यूजिंग एनदर प्रिज्म, उन्होंने लिया, बट ही डिड नॉट ऑब्टेन एनी मोर कलर्स, इनके अलावा उन्होंने कोई भी कलर नहीं लिया, बस यही था, यही सेवन कलर्स थे, देन ही हैज प्लेस, उन्होंने फिर आपका सेकेंड प्रिज्म आपका प्लेस किया उसके जस्ट बगल में नियर बाई ऑफ दैट, जिसको उन्होंने उल्टा रखा, इन्वर्टेड प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू आपका फर्स्ट, इज इट क्लियर,
Now he found that, तो उन्होंने देखा कि जो वाइट बीम ऑफ लाइट जो इमर्जिंग आउट, ये बाहर निकल रही है आपका सेकेंड प्रिज्म। इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स कि वाइट सनलाइट कंसिस्ट ऑफ सेवन कलर्स विच आर सिंपली सेपरेटेड बाई द प्रिज्म। दिस इज कॉल्ड द रिकॉम्बिनेशन ऑफ द डिस्पर्स लाइट बाई ए प्रिज्म। भालो, तो ये न्यूटन सर की ऑब्जर्वेशन थी। Now, your second question is, briefly describe the experimental arrangement for observing scattering of light in colloidal solution. आपको describe करना experiment arrangement को आपका नाम कि scattering of light आपकी observe colloidal solutions में हो रही है ना, आपने क्या करना? आपने एक लेंस L1 आपने फिक्स कर दिया, क्लियर हो गया? ठीक है, इससे कुछ दूरी में आपने S यानी कि ये जिसको आप स्ट्रॉन्ग सोर्स कहते हैं आपका नाम, ये स्ट्रॉन्ग सोर्स आपने लाइट का सोर्स, जी हाँ, जहां से लाइट आई अभी देख कर, क्लियर हो गया? ये आपका लेंस L1 आपका है, पहले इतना जो आपको एक्सप्लेन करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए आपका ना, आपको S चाहिए सोर्स जहां से आप लाइट देंगे, आपको लेंस उसके सामने रखना, उसके बाद आपको क्लीन वाटर का टैंक रखना, क्लियर हो गया सर? इसके बाद आपको रखना पड़ेगा एक कार्डबोर्ड, इस कार्डबोर्ड में आप सर्कुलर होल बनाएंगे, सी जिसको आप कहेंगे, और इसी सर्कुलर होल के आगे फिर आप लेंस टू आपका L2 रखेंगे, क्लियर हो गया? और उसके बाद फिर आप आगे MN आप स्क्रीन रखेंगे, ये पहले आपने, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ योर प्रैक्टिकल्स आपका नाम होगा, क्लियर हो गया? चलो अब आप कहेंगे टू ऑब्जर्व द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट के स्कैटरिंग के लिए आपको देखो इन, ये आपके लेबोरेटरी में लैब में आप कर सकते हैं इसको आराम से। नाउ आई हैव, अब यहां पे तो मैं वी तो लिख नहीं सकता, वी आपके स्कूल वाले लिखेंगे, मैं नहीं लिख सकता। आई हैव सेट अप एन एक्सपेरिमेंटल एरर्स, ये यहां पे मैंने ये आपका किया आपका नाम जिसमें S इज अ सोर्स, सोर्स भी आपका स्ट्रॉन्ग सोर्स है आपका नाम, देखो दिस इज ऑफ किसका है, व्हाइट लाइट, ये व्हाइट लाइट का आपका सोर्स है आपका, देखो एंड L1 इज ए कौन सा लेंस देख रहे हैं आपका, कन्वेक्स लेंस, इसके सामने आपने कन्वेक्स है, ठीक है? और इसमें एक चीज आप क्लियर करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन S एंड L1 आपका नाम देखो दस है, ये आपका इज इक्वल टू द फोकल लेंथ ऑफ लेंस L1, जो S और
L1 की जो दूरी होगी वो आपका नाम जो L1 की फोकल लेंथ है उसके बराबर होगी आपका नाम। क्लियर हो गया? सो अब आपका देखो यहां से देख लीजिएगा सर, स्ट्रॉन्ग सोर्स जहां से आपकी व्हाइट लाइट ने आपका जाना है, इज इट क्लियर? ये गई, ये गई, तो ये आपका जो है क्या है आपका नाम देखा था द सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट। मिटना भी नहीं चाहिए ना हाथ से, इसलिए ये गई। अब ये आपका किस पे टकरा रही आपका नाम देखो, इसमें टकराने के बाद देखो ऑल आर गोइंग पैरेलल, ये सारी आपके ऑल द रेस आपका जस्ट रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन होने के बाद ये पैरेलल जा रही है, पैरेलल ऑल आर पैरेलल। ये टैंक आप देख रहे हैं क्लीन वाटर टैंक में ये आपका पैरेलल जा रही है, ठीक है ना? तो देखो नाउ तो सो आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रो लेंस जो आप L1 देख रहे हैं आपका देखो द लाइट बिकम पैरेलल, ये पैरेलल होगी यानी कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक हो गया? दिस लाइट बीम this light beam passes through a transparent glass tank, ये आपका जो है this is the, ये जो clean water जिसमें this is called the transparent glass tank आपका हो गया आपका नाम, ठीक है? containing मडी वाटर नहीं है, क्लीन वाटर अभी आपने रखा देखो ना, ठीक हो गया? तो ना इसके बाद जो इमर्जेंट बीम ऑफ लाइट होंगी आपका ना दो पासेस थ्रू आ सर्कुलर होल सी, अब ये यहां से जाएंगे आपका ना देखो दिस, ठीक है? तो छोटा बना है कुछ तो आपका देखो ना, ये देख रहे कुछ तो आपका देखो, थोड़ा बड़ा बना देता तो कोई दिक्कत नहीं थी। यस सर्कुलर होल मैंने इधर लेंस की तरफ उधर उधर जैसे कम से कम रेस तो आपको पता लग जाए कि आपका कितनी जा सकती है इसके साथ। आपका क्लियर हो गया सर? तो ये आपका ये सर्कुलर होल सी से मेड इन ए कार्डबोर्ड सीट पे हमने बनाई है, ये जो आप देख रहे हैं BOARD है, ये आपकी बनी आपका, ठीक है? उसके बाद ये कार्बोन सीट होगी कन्वेक्स लेंस L2 और उसके बाद हम आपका ना देखो दस कन्वेक्स L2 फॉर्म्स शार्प इमेज आपका देखो ना ऑफ द सर्कुलर होल C
on the स्क्रीन एम एन और उसके बाद ये जाएगी फिर देखिए अपन इसको थोड़ा अगर मैं बड़ा बना दूं आपको और क्लियर हो जाएगी क्योंकि ये भी यहां से ये गई और उसके बाद जो ये स्क्रीन लगी हुई है अपना देखो जैसे हेलो क्लियर हो गया सर अब ये तो हो गया व्हेन इन आवर टैंक क्लीन वाटर वी हैव केप्ट कोई अभी कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं है अभी आप करते हैं दिस वाज आवर फर्स्ट स्टेज क्लियर हो गया सर अब आपने करना है नाउ बी में अब आप क्या करें डिसॉल्व अबाउट 200 ग्राम ऑफ सोडियम थायो सल्फेट जिसको अगर कोई आपको पूछे तो कॉमनली नोन एज इसका हाइपो नाम होता है अब आपने क्या किया कि ये जो है आपका नाव देखो आप ये जो था इसी में ऑर्डरी में अब आप क्या करें इसमें लगभग लगभग 2 लीटर वाटर रख दे इस टाइम अप्रोक्सीमेट और इसमें 200 ग्राम ऑफ हाइपो आप डाल दें हाइपो ठीक है हाइपो किसको कहते हैं सोडियम थायो सल्फेट अब आपने उस टैंक में जो टी था उसमें आपने डाल दिया ठीक हो गया तो नाउ डिसॉल्व अबाउट 200 ग्राम ऑफ सोडियम थायो सल्फेट आपका नाम देखो इन अप्रोक्सीमेट या अबाउट 2 लीटर आप क्लीन वाटर इसमें आपने इसको डाल दिया इन टैंक ट्यूब टी का मतलब टैंक ट्यूब में आपने यहां पर टैंक नहीं लिखा इसका मतलब टैंक ट्यूब आपका होगा इज इट क्लियर हो गया सर आपका नाम फाइन हो गया एंड अब आपने क्या करना है वन या टू एमएल ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आपका इसमें डाल दीजिए 1 to 2 ml कंसेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO यानी कि क्लीन वाटर में आपने पहले क्या किया 2 लीटर क्लीन वाटर यू हैव टैंक इन दैट बोट टैंक एंड देन यू हैव केप्ट 200 ग्राम ऑफ हाइपो मीन सोडियम थायो सल्फेट एंड देन यू हैव एडेड 1 or 2 ml of आपका ना what concentrated sulfuric acid ठीक है ना to this water का मतलब जो यहां है अभी कईयों का पेट दर्द हो जाएगी उनका ही इसमें तो आपने वाटर नहीं दिखाया नुक्ताचीनी करने वाले बहुत मिल जाते लेकिन आपका इज इट क्लियर तो वी ऑब्जर्व अब आप उसके बाद वी क्या करेंगे आई ऑब्जर्व फाइंड माइक्रोस्कोपिक MI CROS है देखो COPIC है सल्फर पार्टिकल्स ये जो सल्फर पार्टिकल्स होंगे आपका ना देखो पीपीटी यू नो व्हाट इज पीपीटी प्रेसिपिटेटिंग आपका ना देखो इन
अराउंड 2 to 3 minutes में, इसमें जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो फाइन माइक्रोस्कोपिक सल्फर पार्टिकल्स का पीपीटी आपका 2 से 3 मिनट में आपका बन करके आपका आ जाएगा। तो इसका मतलब एज द जो कोलाइडल आपका नाम देखो, दिस इज द ये कोलाइडल सल्फर पार्टिकल्स बिगन टू फॉर्म। अब आपका कोलाइडल सल्फर पार्टिकल आपका नाम ये इसका बनना शुरू हो गया, यानी कि कोलाइडल सॉल्यूशन आपका बनना शुरू हो गया। हाँ हाँ आपकी मर्जी है यार, आप जो करें, मेरा तो बताना। उसके बाद आई लिखा तो यहां भी देखो तो या आप और मैं बैठे तो हम वी ऑब्जर्व भी लिख सकते हैं, प्रैक्टिकल में कर रहा हूं तो देख आप भी रहे आपका नाम, तो वी ऑब्जर्व द ब्लू लाइट। अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, ब्लू लाइट को ऑब्जर्व करेंगे फ्रॉम द 3 sides ऑफ ग्लास टैंक। तो ग्लास टैंक के तीनों साइड, 1 side 2 side 3 side ही हो गया। इन तीनों साइड से आप ग्लास टैंक के क्या करेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे ब्लू लाइट को आप बना देंगे। अब ये क्यों है, इट इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ बाय कोलाइडल सल्फर पार्टिकल्स। ये कोलाइडल सल्फर पार्टिकल्स की मदद से आपका नाम ये हुआ, क्योंकि ब्लू लाइट की जो आपकी वेवलेंथ होती है वो शॉर्टर होती है। और अगर आपका इफ यू रिमेंबर ऑन यस्टरडे आई सेड टू यू दैट द वेवलेंथ ऑफ ब्लू, द वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट इज 1/2 ऑफ वेवलेंथ ऑफ रेड, उसकी जस्ट हाफ होती है। ब्यूटिफुल। इसका अब आपका क्या हुआ, इसके परिणाम स्वरूप कॉन्सिक्वेंटली आपका क्या होगा, द जो ट्रांसमिटेड आपका लाइट होगा थ्रू द टैंक, इस टैंक के थ्रू आपका नाम देखो जैसे था ये विच इज फाइनली फोकस्ड, दिस इज ये फोकस ऑन स्क्रीन एमन, स्क्रीन एमन पे आपका हो जाएगा एट फर्स्ट एपियर्स, शुरुआत में आपका जो फर्स्ट जो आपको दिखेगी एस शुरुआत में आपका ऑरेंज लाइट दिखेगी आपका नाम, ऑरेंज बल्कि ऑरेंज रेड कलर आपका नाम देखो दिस इज द एंड देन एज ऑफ ब्राइट क्रिम्सन रेड कलर, और उसके बाद आपका नाम ब्राइट क्रिम्सन CRIMSON क्रिम्सन रेड कलर में आपका ये दिखाई देगा। तो ये था ब्रीफली जो आपने डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट अपना, आपने तो क्या करना है, आपको 2 lenses चाहिए, आपको एक ग्लास टैंक चाहिए, आपका एक कार्डबोर्ड चाहिए जिस कार्डबोर्ड में आप क्या करें होल कर दें, और एक आपको स्क्रीन आपको चाहिए, साथ ही साथ आपको एक स्ट्रॉन्ग सोर्स आपको चाहिए। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट आप क्या करेंगे कि पहले आप क्या करेंगे, इसमें आप खाली क्लीन वाटर, अब वो पहले से आप 2 liters डाल दे तो अच्छी बात है। तो जब आप स्केटरिंग ऑफ लाइट आपका नाम ये आपका जब आपने किया ऑब्जर्व करना आपने आपका नाम लैब में आपका आई हैव स्टेप अपन एक्सपेरिमेंट आपका नाम एरेस्टमेंट आपने किया जी हाँ सेटअप वही आई हैव सेटअप मैंने एक एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट को मैंने आई हैव सेटअप किया
वी हैव सेटअप भी हम लिख सकते थे, अगर आप यहाँ पे आई की जगह में वी लिखे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। स्टेप लिखा हो क्या? वी है स्टेप। हाँ स्टेप, सेटअप 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 करना था हमने यहाँ पे, कायदे से हमें स्टेप नहीं होना चाहिए, सेटअप होना चाहिए। सॉरी, अब एस आपका ये लिख रहा है, तो ये सोर्स है आपका स्टोन सोर्स, जहां से व्हाइट लाइट आप इसको पास करेंगे, और उसके साथ ही आपका L1 आपने कॉन्वेक्स लेंस रखा, जो S और L1 के बीच की दूरी होगी इक्वल टू इस लेंस की फोकल दूरी के बराबर होगा। जब इसमें से आपने व्हाइट लाइट की आपका बीम को आपने पास किया और ये आपका नाम इसमें गई, आपका लेंस में गई, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये आपका नाम, ये देख रहे हैं कि ये सारी आपका नाम पैरेलल बीम ऑफ लाइट आपके हो गए, और ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आपका नाम ये ट्रांसपेरेंट जो आपका जो ग्लास टैंक देख रहे हैं आपका नाम टी, उससे होकर के आप करेंगे, और इसमें आपका क्या रखा आपने, क्लीन वाटर आपने रखा, उससे जो आपकी जो इमरजेंट रेज होंगी आपका नाम बीम ऑफ लाइट आपका नाम, ये पासेज ऑफ एक कार्डबोर्ड में आपने सर्कुलर होल आपका रखा हुआ है बनाया हुआ आपका नाम देखो, और उसके बाद ये उससे पास होकर के फिर आपका नाम दूसरे कन्वेक्स लेंस में जाएंगे, और कन्वेक्स लेंस के बाद आपका नाम इसकी जो शार्प इमेज आपकी होगी, आपका शार्प इमेज ऑफ द सी, सी का मतलब सर्कुलर आपका जो होल था, और उसके बाद ये आपको क्या होगा स्क्रीन एमएम पे दिखाई देगी, शार्प इमेज किसकी दिखाई दी, सोर्स जो वाइट। इसके बाद इसी आपका नाम क्लीन वाटर में आप क्या करेंगे, 200 ग्राम आपका सोडियम थायोसल्फेट जिसको आपका हाइपो कहते हैं वो आपका मिक्स कर देंगे आपका 2 लीटर। उसके बाद ऊपर से आप 1 to 2 ml आप क्या करेंगे, कंसेंट्रेटेड आपका एस्ट्रोस्पोर आप डाल देंगे, क्यों कर रहे हैं, बिकॉज यू हैव टू मेक द कोलाइडल सॉल्यूशन, ये कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए हमने क्लीन वाटर में 200 आपका हाइपो डाल करके ऊपर से 1 to 2 ml आपने कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एस्ट्रोस्पोर को डाल देना। कोलाइडल बनाना क्या होगा इसमें, कोलाइडल में क्या होगी बताइए, क्यों एसिड है, एसिड डाल लेना तो जब उसके साथ हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, कोलाइडल बनाएंगे आप। कोलाइडल की बेसिकली डेफिनेशन क्या है, नाइन्थ में जाना पड़ेगा आपको फिर कोलाइडल के लिए, कोलाइडल के लिए नाइन्थ में जाना पड़ेगा। अब ये जो यहाँ पे आप जब कोलाइडल सॉल्यूशंस की बात आप कर रहे हैं, तो कोलाइड्स का मतलब बेसिकली क्या हो गया कि अ कोलाइड इज ए काइंड ऑफ सॉल्यूशन, कि कोलाइड एक प्रकार का आपका सॉल्यूशन होता है इन विच जिसमें ये साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट बिटवीन दोज इन ट्रू सॉल्यूशन एंड दोज इन सस्पेंशन। एक चीज तो ये आपको, यानी कि जो साइज ऑफ सॉल्यूट आपका ना पार्टिकल्स हो गए इन ए कोलाइड, बिगर देन दैट ऑफ ट्रू सॉल्यूशन होएंगे और स्मॉलर देन द सस्पेंशन आपके हो जाएंगे, इज इट क्लियर। और जो कोलाइड होता है अपीयर्स टू बी होमोजीनियस बट एक्चुअली दे आर फाउंड इन ए हेटरोजीनियस, पहले तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, और इनको ऑब्जर्व करने के लिए आपको हाई पावर माइक्रोस्कोप आपका चाहिए। एक चीज, अब कोलाइडल की आप बात जब कर रहे हैं तो कोलाइडल सॉल्यूशन आपके एग्जांपल सोप सॉल्यूशन आपका हो गया, स्टार्च सॉल्यूशन आपका हो गया, मिल्क आपका हो गया, इंक आपका हो गया, ब्लड आपका हो गया, जेली आपका हो गया, और सॉल्यूशन ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट आपके हो गए, क्लियर। अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज अगर आप कोलाइड्स की आप पढ़ना चाहते हैं तो इसमें क्या होगा, जब आपका ट्रू सॉल्यूशन होगा इसमें जो बीम ऑफ लाइट जब आप डालेंगे आपका ना देखो तो बीम ऑफ लाइट आपका नॉट विजिबल इनसाइड द ट्रू सॉल्यूशन, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन किसका होता है, सुगर सॉल्यूशन या साल्ट सॉल्यूशन, इसे इसका मतलब इंट्रामोलिकुलर स्पेस होता ही नहीं उनके बीच में, एक दूसरे के साथ कंप्लीटली मिसिबल्स हो जाते हैं। जब आपने पूछा था मुझे उसके अंदर तो घुसेड़ना ही पड़ेगा आपको। उसके बाद अगर आप कोलाइडल सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, जैसे हम हाइपो की बात कर रहे थे जो आपने पूछा, इसका मतलब आपका क्या हो गया,
मैंने इसका बता दिया आपको कि इनका जो सॉलिड पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो आपका बिगर देन आपका ट्रू सॉल्यूशन होता है और स्मॉलर देन आपका सस्पेंशन होता है। सस्पेंशन बेसिकली क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं जिनमें कि स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर स्प्रेड थ्रू आउट द लिक्विड विदाउट डिसॉल्विंग। सस्पेंशन अब आपका क्या होता है, मडी वाटर आपका हो गया, चॉक वाटर आपका पाउडर हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम आपका हो गया, सैंड पार्टिकल्स आपका हो गया, सस्पेंडेड इन वाटर आपका एंड फ्लोर इन वाटर जो आटा घोलते हैं पानी में आपका ऐसे फिर। तो जब आप कोलाइडल होगा तो कोलाइडल खाली अभी इसको नहीं बता रहा हूं, आपने कोलाइडल की बात करें तो जब आपका इसमें आपका जब कोलाइडल आपका सॉल्यूशन हो जाएगा इसका मतलब जो बीम ऑफ लाइट होगी वो आपके आगे पहुंचाएंगे और आपका क्या हो जाएगा, वो आपका ना विजिबल हो जाएंगे कोलाइडल सॉल्यूशन में, जैसे आपका सोप सॉल्यूशन भी आप ले सकते। क्लियर है? अब आपका जो इसमें सल्फर पार्टिकल्स, अब आपका कोलाइडल में सल्फर पार्टिकल्स आपके शुरू होने लगे बनना। तो जब आपने आई की जगह में मेरे आप यहाँ पे वी भी लिख सकते थे, अब आपका नाम तो ना वी ऑब्जर्व। तो उसके बाद हमने ब्लू लाइट आपका नाम थ्री साइड्स ऑफ ग्लास टैंक में आपका लेकर क्या ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व। तो ये ऑब्जर्व करने के बाद ये क्यों हुआ, क्योंकि ये आपका इट इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट, आपका ये ब्लू लाइट के स्कैटरिंग के कारण हुआ, क्योंकि ब्लू लाइट की आपकी क्या होती है शॉर्ट वेवलेंथ होती है। और ये बाय कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन भी किसमें, कोलाइडल सल्फर पार्टिकल्स का आपका था। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि जो लाइट यहां से जो ट्रांसमिट हुए थ्रू द टैंक से जो आपका आई आपका ना देखो फाइनली ये आपका फोकस आपकी किसमें होगी, एमएन स्क्रीन पे होगा। तो फर्स्ट जब आपको यहां पे दिखाई देगा तो ये ऑरेंज रेड कलर आपका दिखाई देगा और उसके बाद लास्ट में आपका देन ब्राइट क्रीज क्रिम्सन आपका रेड सॉल्यूशन आपका दिखाई देगा। तो ये आपका एक एक्सपेरिमेंटल आपका नाउ डिस्क्रिप्शन था जिसमें कि आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपके आपने ऑब्जर्व कर ली थी कोलाइडल सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? तो ये दो आप इनको आज घर जा करके किसी और चैनल्स पे भी आप इसको देख करके आप उसमें कमेंट्स डालिएगा। तो हैव ए नाइस नाइस इवनिंग टू ऑल, गॉड ब्लेस यू सर।